क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन कोडिंग डिकोडिंग। देखो चैप्टर बड़ा सरल है, रीजनिंग में मजा यही है कि सब सरल है, रीजनिंग का दर्द भी यही है कि सब कठिन भी हो जाता है। ठीक है ना, जल्दबाजी करी तो रीजनिंग कठिन है, माइंड को बढ़िया पेशेंस रखकर शांति से करेंगे तो रीजनिंग सरल हो जाती है, बोनस भी हो जाती है रीजनिंग, और घाटे में ले जाने वाली भी रीजनिंग होती है। जब तक आप पढ़ रहे हैं क्लास में तब तक रीजनिंग आपको लगेगी कि फ़ायदेमंद है, और पेपर में देख कर आओगे रिजल्ट के बाद तो पता चला रीजनिंग ही नंबर खा गई सब रे। बस अंदर इतना सा है, जल्दबाजी में रीजनिंग ही सबसे ज़्यादा गलत होती है। मान क्यों? क्योंकि रीजनिंग को हम बड़ा हल्के में ले लेते हैं कि रीजनिंग तो आती है हमें। इसलिए रीजनिंग का केवल एक ही तरीका है कि इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, और लगाने के लिए इसे माइंड को बैलेंस रखें। बात समझ में आई? कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है पहले क्या, ABCD। मुझे लगता है आपको आती ही होंगी कि नहीं आती हैं, सिखानी जरूरत ही नहीं है। कितनी होती हैं ABCD? 26। तो नंबर से याद होना चाहिए, कैसे? आगे पीछे, A से लेकर Z तक, तो 1 से लेकर 26, और फिर Z से लेकर A तक, तो 1 से लेकर 26, शुरू से आखिरी, आखिरी शुरू। ठीक है ना? पर यहाँ पे मैंने जो आपको यहाँ कोडिंग डिकोडिंग जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने अगली कोडिंग डिकोडिंग ऐसे नहीं कि सवाल बस चैप्टर आ गया और सवाल स्टार्ट, मैंने इसके पार्ट कर दिए हैं, और उन पार्टों के भी मैंने सब पार्ट कर दिए हैं इसमें। समझ में आया ना कि कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार की होती है? फिर जो भी आपको प्रकार मिलेगा फिर उसके भी प्रकार हैं, टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। तो देखें आप, ये तो ABCD हो गई, ये नहीं लिखना है तुम्हें, चैप्टर का नाम डाल दिया कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार की बनाई है अपन ने? 7 प्रकार की बनाई है। पहली है लेटर कोडिंग। कौन सी कोडिंग? लेटर कोडिंग बनाई है, यहाँ अक्षर से संबंधित मिलेंगे आपको। फिर न्यूमेरिकल कोडिंग बनाई है, यहाँ नंबर से संबंधित डिजिट मिलेंगे आपको। फिर बनाई सिम्बॉलिक कोडिंग, यहाँ सिम्बॉल मिलेंगे। सिम्बॉल जानो, कहूँ स्टार, कहूँ परसेंट, इन्हें सिम्बॉल कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये देखे ना, स्टार ये बना देते हैं अपन, कछु बना दो, ये बन गए, और क्या बना दें? आओ ले, जो बनाऊंगा मैं तो एज बनाओ, ठीक है ना, ये बनाओ, ठीक है ना, ये बना दिए, ये सब क्या कहलाते हैं? सिंबल। फिर कोडिंग ऑफ कंपैरिजन, ठीक है ना, तुलनात्मक कोडिंग, हम तुलना करेंगे, ठीक है ना, इसका जो है तो उसका क्या है, ठीक है ना। तो एक ये प्रकार हो गई। एक और होती है कौन सी? कोडिंग वाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब जैसे मैं नहीं आया तो मेरी जगह कौन? सब्स्टिट्यूट का मतलब जानते हो? हाँ, जो पेन ना हो तो अभी लिखो, हो जाएगा कि नहीं, मतलब पेन बताना। जैसे ये मेन पेन है बोर्ड पे लिखने का, अब मान लो जो ना मिला है तो फिर भी तो लिखा होगा, तो हम जा से लिख दो, जैसे ये लिख रहा है, लिखा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये इस पेन का क्या हो गया? समझ में आया ना? जैसा कहते हैं ना, पिताजी ने कह दिया कि मैं नहीं जा पा रहा, मोड़ा आएगा, तो पिताजी का सब्स्टिट्यूट कौन हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? हिंदी समझ में आ रहा होगा। क्या लिखा है? प्रतिस्थापन। क्या लिखा है? प्रतिस्थापन। अगला है क्या? कॉलम एनालिसिस कोडिंग, स्तंभ विश्लेषण कोडिंग। यहाँ हम कुछ कोडिंग लगाएंगे, जो कॉलम में लिखी होगी उसको सॉल्व करेंगे अपन, तो एक ये प्रकार होगा। लास्ट कौन सी है? कंडीशनल कोडिंग। कौन सी कोडिंग? कंडीशनल कोडिंग का ये मतलब होता है मैं आपको शर्तें दूंगा, इसमें बे शर्तों में पालन करनी पड़ेंगी तुम्हें। शर्त जानो? अपन कहते ना घर में, अच्छा शर्त ले तू तो दो दो रुपया की, कितने के नहीं? हाँ है ना, बोल दो, रखते हैं कि नहीं कर रहे? ऐसी शर्तें जाना की होंगी, किसी में 2 शर्तें मिलेंगी, किसी में 3 शर्तें, उस शर्त के आधार पर हमें सॉल्व करनी पड़ेगी कोडिंग डिकोडिंग। क्या आपको समझ में आ गया? ऐसे कितने प्रकार हैं ये? 7 प्रकार हैं। नंबर 1 पे हम देखते हैं कौन सा? लेटर कोडिंग। कौन सा है? लेटर कोडिंग को हम नंबर 1 पे देखते हैं, अक्षर कोडिंग। और इसे भी हमने देखो कितने भाग में बांट दिया? 5। लेटर कोडिंग को भी कितने भाग में बांट दिया हमने? 5। ठीक है ना? आप ऐसा जो इस तरीके से हमने ये बनाया है, ऐसा ना आपको किताबों में मिलेगा, नहीं कहीं मिलेगा, ठीक है ना? बढ़िया सोच समझ के इसलिए बनाया है, एक बार में ही पूरा समझ में आ जाए आपको। तो पहली जो कोडिंग बनाई वो कौन सी बनाई? फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। क्या होता है? आगे बढ़ना, ए के बाद बी,
बी के बाद सी, सी के बाद का, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ए के बाद सी तो सी के बाद, अगर ए के बाद सी है तो सी के बाद और ई के बाद, मतलब एक एक छोड़ के जा रहा हूं कि नहीं? तो अगर एक एक छोड़ रहा हूं तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा, हाँ के ना? अगर ए का संबंध जेड से है तो बी का संबंध, समझ में आ रहा है भैया? खाली ऐसे घुना के मत देखे मुझे। दूसरा देखो, बैकवर्ड सिक्वेंस पैटर्न। बैकवर्ड का मतलब बी के पहले ए तो ए के पहले, तो पीछे लौट जाओ, बैकवर्ड में पीछे, फॉरवर्ड में आगे। फिर आ जाता है अपोजिट लेटर पैटर्न। क्या जाता है अपोजिट? ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा, तो अपोजिट हो गए, समझ में आ रहा है भैया? फिर आता है मिक्स्ड पैटर्न। क्या आता है? मिक्स, या मिक्स करेंगे हम किसी का किसी से, किसी का किसी से, ठीक है ना? फिर आता है क्रॉस, क्रॉस लेटर पैटर्न। क्रॉस का मतलब होता है कि ऐसे पढ़ेंगे हम, ऐसे क्रॉस बन रहे होंगे कोडिंग में हमारे, तो सबसे आखिरी में जो हो जाती है जो पेपर में सबसे ज्यादा आती है, हाँ या ना? आती ये भी है, आता तो सब है, बात मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, सरल सबरे हैं, कठिन सिर्फ इसलिए हैं टाइमिंग से। कैसे? टाइमिंग से। टाइमिंग कम कर देते हैं तो रीजनिंग कठिन हो जाती है, टाइमिंग हटा दो तो रीजनिंग सरल कुछ नहीं है। क्लासों में टाइमिंग नहीं रहता इसलिए बच्चे रीजनिंग को हल्के में ले लेते हैं, अरे रीजनिंग तो आते यार, और अगर क्लास में टाइमिंग लगा दो ना, बच्चे कहेंगे हमने सही नहीं हो रहा है, आ तो फिर भी रहा होता है पर बात क्या हो रहा है उस टाइम में कर ही नहीं पाए, इसलिए रीजनिंग फिर कठिन हो जाती है। तो देखिए अब हम पहला पैटर्न देख रहे हैं, कौन सा? फॉरवर्ड सिक्वेंस पैटर्न, अग्रामी क्रम पद्धति। क्लियर है? करें? आपको नोट्स नहीं बनाना है यहाँ, क्या आपको समझ में आया? आपको बस तुरंत आंसर देना है, समझ में आया? क्या देना है अपने? आंसर देना है बस, रफ में आप लिखिए, क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, केवल जो चीज़ पूछी जा रही है वो मैं बता दूंगा, वो लिखिए और आंसर देना है। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना? तो देखिए अब पहला क्वेश्चन हम करते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लवली को ये लिखा जाता है, उसी लिखा जा, उसी भाषा में वी लव को क्या लिखा जाएगा? यहाँ अक्षरों से मीनिंग मीनिंग कोई नहीं निकाले जाते हैं, यहाँ केवल रीजनिंग है, शब्द लिखा मिलेगा, तुम्हें शब्द लिखना है कैपिटल लेटर में ही। देखिए क्या करना है, जिन्हें जो नए हैं पहले वो देख लें आप, मैं उन्हें बता देता हूँ। जैसे ये लिख रहा है तो आपको लिखना कैसे, एल ओ बी ई एल वाई, ये लिख लिया, मतलब आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो बता रहा हूँ मैं। उसके नीचे आपने लिख लिया एम पी डब्ल्यू एफ एम, ऐसे लिखना है आपको। तो क्या पूछा आपसे वी लव, तो वी ई एल ओ वी ई टी, ऐसे लिख लिया। अब जो इसका आंसर आएगा ना वो यहाँ लिखेंगे हम, पर आंसर आएगा कहाँ से? तो उसने देखो क्या होता है सांकेतिक भाषा में, आपने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा आपने, जो फिल्म सीक्रेट होती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, देश के ऊपर होती हैं, उनमें आपने देखा कोड, ऑपरेशन के कोड होते हैं, काहे के तुम्हें पता है भारत में ऑपरेशन मैन के नाम से कौन है, किससे जाना जाता है? भारत में ऑपरेशन मैन के नाम से ऑपरेशन मैन ऑफ इंडिया थे, सुनो जा तो यार, देखो मैम बताए, तभी बताए हम, एक एक स्टूडेंट को बताए बताए हम। अच्छा कोई तुक्का, हाँ अजीत डोभाल, सब अजीत डोभाल को ही जानते, कौन कौन जानता अजीत डोभाल को? नाम किस किस ने अजीत डोभाल का सुना है? आपने नहीं सुना, सुनना चाहिए आपको, आप बहुत पीछे हैं पढ़ाई में, आप लोग तो नए हैं, खैर मज़ा आएगा सुनने में। अजीत डोभाल इंडिया के कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। कौन है? यही
तय करते हैं भारत की सुरक्षा के बारे में हर चीज, और यही सुरक्षा सलाहकार होते हैं प्रधानमंत्री के भी। प्रधानमंत्री का नाम तो सुना होगा, प्रधानमंत्री कौन सी गाड़ी में कौन सी सीट पर बैठेंगे ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो होता है वो तय करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आया, अन्ना बोल दो। और बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हैं देश के, ये आईएएस रहे हैं, आईएएस बनने के बाद ही इतनी बड़ी पोस्टों पे जाते हैं। ये पाकिस्तान आर्मी में थे सीक्रेट मिशन पर, मतलब ये भारत के हैं पर ये पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान में रहने लगे, पाकिस्तान की मिलिट्री में निकल गए, मतलब वहाँ भी जैसे भी बना वहाँ अधिकारी बन गए और एक सबसे ऊंची रैंक तक पहुँच गए। तब तक पाकिस्तान को ये पता नहीं चला जो भारत का व्यक्ति है। सोचकर देखिए किस तरीके से रहे होंगे और किस तरीके के दमदार व्यक्ति होंगे जो इतने सारे दुश्मनों के बीच में बैठ कर भारत का काम कर रहे थे और सबरी पूरी जानकारी भारत को भेजते थे। अभी हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी वो इनकी देखरेख में हुई सब। अजीत डोभाल जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो कैसे उनकी सुरक्षा की जाएगी और सुरक्षा के लिए क्या मापदंड होंगे, क्या स्टैंडर्ड होंगे, ये सब यही तय करते हैं। देश में कोई आतंकवादी हमला होता है या हमला नहीं हो पा रहे हैं, इनकी बदौलतें नहीं हो पा रहे हैं। और फिर कोई ऑपरेशन चलाया जाता है इन आतंकवादियों को मारने के लिए जो देश के लिए खतरे हैं, खतरा है, वो इन्हीं के अंडर में चलाया जाता है। समझ में आया? तो इतना बड़ा व्यक्ति है देश का, पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा, समझ में आ रहा है, पूरी देश की सुरक्षा किसके हाथ में, अजीत डोभाल के हाथ में। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप घर पर सुरक्षित बैठे हो इस व्यक्ति के कारण से। समझ में आया? और समझाओगे अजीत डोभाल, क्लियर है? पाकिस्तान की मिलिट्री में ये मान के चलो कि सेना के कमांडर ही नहीं बन पाए, उन्हें पता ही नहीं चला कि ये भारतीय है, उन्हीं की तरह रहते थे, उन्हीं की तरह बैठे रहे, उन्हीं की जारी जानकारी भारत को भेजते रहे। जब अपना काम पूरा हो गया तो भारत आ गए, तब पाकिस्तान को पता है ओ ये कौन है। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसी फिल्मों में आपने देखा होगा, और मैंने भी आपको अभी ये करेंट में भी पढ़ा रहा था, ऑपरेशन ऑपरेशन बहुत सारे पढ़ा रहा था कि नहीं पढ़ा रहा था। और फिल्मों में देखे होंगे आपने, उन्हें कोई शब्द मिलता है फिर उसे कोड करते हैं वो, और फिर अंदाजे एक डेट निकालते हैं, अरे यार इस डेट को ही हमला होने वाला है। देखे हैं कि नहीं देखे? ऐसे ही ये चैप्टर है। यहाँ आपको ये जो दिख रहा है वो ऐसा कैसा नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ छुपा हुआ है इनके बीच में। जैसे ही आप उसे पहचान लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे, जैसे एल के बाद क्या लिखा है, एम। पहली बात तो आप देखो, जैसे ए के बाद आया बी तो आप इसे कहेंगे कि प्लस वन। एक बाद आया ना, एक का गैप है कि नहीं है? गैप नहीं है, एक नंबर की बात आया ना। जैसे आप देखो, जा को नंबर एक होता, जा को नंबर दो होता, माइनस करो तो एक आया कि नहीं आया? तो आप जीरो नहीं लिख सकते, जीरो आप तभी लिखेंगे जैसे ए का ए लिखा होगा, ना तो जीरो है। ये कितने का गैप है, जीरो। अगर ए के बाद क्या लिखा है, बी लिखा है, तो आप क्या कहेंगे, प्लस वन। अब बी के बाद यहाँ डी लिखा है तो क्या कहेंगे आप, प्लस टू। सी और डी, तो डी भी काउंट होगा साथ में। समझ में आया कि नहीं आया? अब मान के चलो बी के बाद ए लिखा है यहाँ, इसे हम माइनस वन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ लिखा है एफ और यहाँ लिखा है ई, तो क्या पढ़ेंगे इसे, माइनस टू वन। समझ में आया ना? आगे जाने के लिए प्लस होगा और पीछे लौटने के लिए minus. कोई दिक्कत यहाँ तक? आओ इसे देखते हैं अब अपन। देखो एल के बाद क्या आया, एम। तो मुझे बता एल के बाद एम आता है कि पहले आता है? बात के लिए हमने क्या करा है, बता आगे के लिए क्या कहा हमने, तो यहाँ प्लस वन, कोई दिक्कत? यहाँ क्या आएगा बताइए, प्लस वन आएगा कि कुछ और आएगा? प्लस वन। यहाँ 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 और यहाँ, इन सब में भी हम क्या कर देंगे, प्लस वन ऐड कर देंगे। तो मुझे तो बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद टी, ई के बाद एल के बाद ओ के बाद बी के बाद ई के बाद और डी के बाद। जी आंसर आ गया इसका। क्या आपको समझ में आ गया किस किस का सही निकला? भाई पूरी क्लास समझ में आ गया, जिनका सही नहीं निकला या जिन्हें आया नहीं या जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आ गया, लिख लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। अब आप समझ में आया क्वेश्चन में इसके बल यही शब्द उतारना है आपको और तुरंत आंसर देना है। जाको आंसर बताओ पहले।
ऑपरेशन मैन ऑफ इंडिया। सुनो, अभी एक अपॉइंटमेंट हुई है रॉ चीफ, रॉ चीफ कौन बने हैं, कल या परसों ही पढ़ा हो मैंने। है भैया? नहीं यार, गलत आदमी है यार। रवि सिन्हा कौन बने हैं? रवि सिन्हा। रवि सिन्हा है कौन, रॉ चीफ। और ये कौन है, समझ में आ गया? इन्हें ही कहते हैं ऑपरेशन मैन ऑफ इंडिया। समझ में आया? ऑपरेशन मतलब वो हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं। ठीक है यार, तू राजा ऐसी हंसी आ जाते हैं। करंट वाली किताब में लिख लेना इसको। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है क्या? नेक्स्ट कर लें का? आओ देवताओं करें करें। आंसर नहीं बोलना है, बस करिए और बताइए आंसर। मुझे लगता है कर लिया होगा। कौन कौन ने कर लिया? तो देखिए हम क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है इसको, एन पी ओ एफ जेड ये लिखा है। इसे पहचानते हैं, एम के बाद क्या आएगा, ओ के बाद, एन के बाद, ई के बाद और बाय के बाद प्लस वन चल रहा है। इनमें भी हम क्या कर देंगे, प्लस वन, आओ प्लस वन करवाओ। डी के बाद ई, ओ के बाद सी के बाद टी के बाद ओ के बाद आर के बाद, ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ई पी डी टू पी एस, किस किस का सही आने लगे देखो, किसका आंसर सबसे पहले आएगा, बस बोलना है, हाथ ऊपर कर देना ऐसे जिसका आंसर आ जाए। क्या है आंसर का, ऐसा नहीं कहने हम सब समझ जाए, आंसर बोलना है क्या आंसर है। ऐसे मत बोलो आर के पागल हो गए हो। टी यही आ रहा है क्या, किस किस का आंसर आ रहा है? हाँ तेरा लगा रहा है, तू गलत होएगा तो देख भाई, का गैप चल रहा है प्लस वन का। हाँ तू बता, देखो कैसे पागल हो रहा है, कह ले टी ई यू आई जे टी, ये किस किस का है? मुझे लगता है पागल नेरे बने होगे तुम, किसी ने देखा होगा कंगा भैया। डी के बाद क्या, ई, उन्होंने कहा प्लस वन, पूरे में प्लस वन कर दिया उन्होंने, ये किया कि नहीं किया? यही तो है, कहा ना रीजनिंग हो गई ना गलत, हो गई ना गलत, क्लास में तीन जनों का सही निकला। वाह राजा शाबाश, देख लो भैया अब तक ये बोल रहा है डी ई एल ई टी ई, डिलीट को क्या लिखा है इसने, ई जी ओ आई वाई के, आई वाई के, देख लो भैया इधर देखो बोर्ड पर। टी के बाद क्या आएगा, प्लस वन, अब मुझे बताओ जी आ रहा है तो कितने के बाद आएगा, प्लस टू चल रहा है यहाँ पर, ये और ये चल रहा था, तो आपको भी यही करना पड़ेगा ना, इसलिए एक एक अक्षर चेक करो, समझ में आ रहा है, नहीं तो दुर्घटना घट जाएंगी। नेक्स्ट करें, देखो एक चीज़ और सुनो, मैं आपको टाइप ऑफ सवाल करा रहा हूँ है, इसलिए मैं जिन्हें कि अभी इसी पैटर्न के 20 सवाल कराऊंगा मैं आपको, चार से पांच सवाल दूंगा मैं आपको, क्लियर है ना,
बाकी प्रैक्टिस सीट मिलेगी आपको। समझ में आ गया? तो एक तो आप सीख जाएंगे, प्रैक्टिस घर पर हो जाएगी, या रीजनिंग किताबें उन्हें लगा लेना आप अपनी, तो वहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या आपको समझ में आया? अब एक क्वेश्चन और कर दूँ, किसी का आंसर आया? देखो अब आंसर नहीं आ रहा है, लास्ट अक्षर बोल दो, एन तुम्हारा लास्ट है, लास्ट अक्षर क्या है? एन। आओ देखें करते हैं क्या आ रहा है इसमें, देखो एल ई डबल टी ई आर बोल रहा है, एम जी यू वी एफ, और इसको पहचान लें, बताओ L के बाद M किस में? ये 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 और ये, समझ में आया? और कोई नहीं, ये कर ला हो ना, एक दो बन कर तीन चार पाँच, मेरे को दिमाग दाओ भगवान ने भयंकर कंगा अपन सिंबल S Y M P O L, वन टू थ्री नहीं, वन टू यही चलाएंगे, एस के बाद वाई के बाद एम के बाद पी के बाद ओ के बाद रेल के बाद, यही आ रहा है ना सबका? कौन कौन का सही निकला? बढ़िया, करें नेक्स्ट, ये घर से करना है, आप कमेंट में आंसर देना इसका। अगला आता है क्या? बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न पश्चिमानुक्रम पद्धति, मतलब आपको अभी प्लस प्लस वाले मिल रहे थे, अब इसमें माइनस देखेंगे, अब आप सॉल्व करें इसको करके देखें। सुनो इधर, इससे पहले वाला क्वेश्चन मुझे कमेंट में चाहिए आंसर, समझ में आ रहा है? किसके इसका आंसर? आओ देखते हैं, बी ओ आर डी ई आर बॉर्डर को क्या लिखा है? ए एन क्यू सी डी क्यू, ये लिखा है। तो यहाँ देखो माइनस वन, यहाँ भी माइनस वन, यहाँ सब में माइनस वन चल रहा है कि नहीं? आना बोल दो, तो डॉक्टर में भी माइनस वन कर देंगे सब में। तो बताओ डी के पहले, सी के, ओ के पहले, सी के पहले, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? सी एन बी एस एन क्यू, किस किसका सही? अगले का आंसर कौन सबसे पहले देखा? ये तो पता है कि पैटर्न कौन सा है, बैकवर्ड, पर आंसर सबसे पहले किसका आएगा वो जीत गाओ। करें नहीं आ रहा? क्वेश्चन दिया अपन को बी ओ डबल टी ओ एम, क्वांटम को लिखा है उसने जेड एम आर आर एम के, ये दिया है। देखो बी से जेड आ रहा है, माइनस टू आ रहा है, ओ से एम आ रहा है, कितने माइनस टू चल रहा है सब में,
माइनस टू चल रहा है कि नहीं? इन सब में भी हम क्या कर देंगे, माइनस टू। आओ सी से करवाओ माइनस टू, इससे ए आ गया, ए से बाय, एम से हाँ के, ई से आर से और ए से किस किस का रहा है, ए वाय के सी पी वाय। अरे तू मेरे देख कर लिख रहा और हाथ ऊपर कर बैठ रहे हैं, देख रहे हैं आप? क्लियर है? नेक्स्ट करें, कौन का आंसर पहले आएगा? अब देखते हैं क्या लिखा है, अशोक, अशोक को लिख रहा है जेड क्यू ई एफ के ई के एफ। आओ पहचान है, ए से जेड माइनस वन हो रहा है, एस से क्यू में आ जाओ कितने हो रहे हैं, माइनस या फाइव। ये तो उसने नहीं हो पा का नगर एन ए जी ए आर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, यही करेंगे कि नहीं? आओ एन से माइनस वन करो, ए से जी से ई, हाँ डी कर रहे हैं, घबरा होने नहीं है अपन जाएंगे, ए से और आर से किस किस का सही है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना बोल दो कम से कम, ये तो आ गया समझ में, सही है का अपना, सही है ना? आए देख रहा हो तो, अच्छा ए बी सी डी नहीं आ रही होंगी बस इसलिए लिख लूँ, करे ऊपर लिख लूँ ना ए बी सी डी। देखो ए बी सी डी लिखने का एक तरीका होता है, देखो पेपर में देखो क्वेश्चन तो आना है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन तो 100% मिलता ही है, पर ए बी सी डी हम पेपर में लिख लेते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं, इतने फालतू ज्ञान नहीं, बहुत टाइम नहीं है अपने पास कि ए बी सी डी याद रखें अपन, याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, ले नहीं हो रहा है याद तो तरीका बता देते हैं। तो ए से लेके जैसे ये लिख रही थी ना, ए से लेके आप इधर लिखो एम तक, कहाँ तक, और एम के बाद यहाँ से चलो तो लिख दोगे जेड तक, 26 है तो 13 दूनी 26, 13 ऊपर और 13 नीचे, पर 13 नीचे कैसे, जैसे यहाँ तक आएंगे एम, ए से लेकर एम तक, फिर ऐसे नहीं करना है आपको कि ए से फिर एन से फिर चालू हो जाओ, एन से लेकर फिर जेड, फिर तो गलत होगा सब, उल्टा करना है एम फिर जहीं से एन ओ पी क्यू आर एस वाई जेड जहाँ गए, तो आपको इससे ये पता चल जाए ए का उल्टा क्या होता है, क्या होता है एम का उल्टा, ये पता चल जाएगा, नंबर भी डाल लो जो करना है वो कर लो, सब पता चल जाएगा तुम्हें, समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन घर से देना आंसर, क्यों हाँ देंगे सब देख लेंगे हम, चिंता मत करो छोड़ नहीं रहे कहीं, ये दो आंसर देना है। अब आ गया अपोजिट लेटर पैटर्न, तीन क्वेश्चन हो गए घर से, गिन रहा हूँ डायरी में लिख रहा हूँ मैं, अपोजिट लेटर पैटर्न विपरीत क्रम अक्षर पद्धति करके देखे इसे, कर लिया होगा। देखो क्या लिखा है, मंडे, मंडे भाई साहब को क्या लिख रहे हैं, एन एल एम डब्लू जेड पी, संडे का पूछा है उसने, आप यहां देख रहे हैं जैसे उल्टा ही लिखा है कि नहीं लिखा है,
जैसे मैंने अभी बताया M का उल्टा क्या होता है N, यहाँ से A का पता, A का उल्टा Z, जैसे उल्टे लिखे बस यहाँ भी हमें अक्षरों का उल्टे लिखने का मैंने तरीका बता दिया आपको, ए बी सी डी को कैसे लिखो तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं। तो S का उल्टा S का S, U का N का D का A का और Y का B, ये आंसर यही आ रहा है सबका, क्लियर हुआ। नेक्स्ट करें, मजा आ रहा है नहीं आ रहा हो ना, ले करो। ये तुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है अभी, क्या नाम है तेरा, कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी तो मुझे लगता है कर ही लिया होगा। बताओ तुम, एस का उल्टा पी का, ओ का आर का, वाई का क्या जे आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना, सबका आ रहा है। नेक्स्ट, कर लिया होगा सबने, बताओ ई का उल्टा वी, एन का जी का टी, हाँ टी कर रहे हैं रुक जाओ, टी एल का ए का एन का डी का, यही आ रहा है सबका। नेक्स्ट, कर लिया, बोलो तुम, क्या बाय आ रहा है पहले, किस किस का आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, वी वी आ रहा है ना, आ रहा है सबका। यू से यू का उल्टा क्या होता है, मतलब एफ का उल्टा देख लो चाहे यू का उल्टा देख लो, बात तो ये कही ना, यू का उल्टा क्या है, एन का उल्टा, तो मुझे लगता है इससे ही समझ गए होगे आप, हाँ ना बोल दो, तो इसका आंसर आ गया आपका। इसे और करके बताएं, मुझे लगता है इसे भी कर लेंगे आप, देखो सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इन सबको क्या करना है अपन को, बस उल्टा करना है, ये भी कर लेंगे आप। अब आता मिक्स पैटर्न, क्या ये, नेक्स्ट क्लास में इसे देखेंगे अपन।